स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जगदलपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। शहर के टाउन हॉल में भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश के विभाजन को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को विभाजन की विभीषिका याद रखनी चाहिए। कुछ लोगों की गलती से 10 लाख लोगों की मौत हुई और 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर दुनिया भर के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। भैया, भाजपा का कार्यकर्ता अगर किसी मोहल्ले में जाकर चुनाव की पर्ची भी बांट रहा है ना, तो वो इस भाव के साथ बांट रहा है कि आने वाले समय में मैं अपने विचारों को सरकार बनाकर इस देश में लागू कराऊंगा। जिस तरीके से 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, कहते कहते कंठ सूखे होंगे आपके भी, और हमने फिर से सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाई। उससे पहले कोई सोच नहीं सकता था। 1952 की बात है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे जम्मू कश्मीर में और उनकी वहां हत्या हो गई थी। उन्होंने यही कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेगा, इस नारे के साथ गए थे। 1952 में उन्होंने संकल्प लिया था कि जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से भारत से अलग किया गया है 1947-48 से, और इसको फिर से भारत में पूर्णतः विलीन होना चाहिए। 1952 में उन्होंने कहा, वो नहीं रहे। उनके बाद कई पीढ़ियां नहीं रही, 20 साल में एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है लगभग। तो 52 के बाद आप सोच ले 72, 92, 12 और आज 24 है। 2019 में, अभी 5 अगस्त 2019 का दिन आपको ध्यान होगा, जिस दिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का अधिनियम संसद में पारित होता है और जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधान समाप्त कर दिए जाते हैं। संकल्प लिया था हमारे नेता ने, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस संकल्प को पीढ़ियों तक जिंदा रखा और पीढ़ियां बदल गईं। हमारा संकल्प नहीं बदला और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2019 में 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। हमारी पार्टी में हम राष्ट्र प्रथम कहते हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश होता है। हमारी पार्टी में हम राष्ट्र प्रथम कहते हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश होता है। आपको वो दिन याद होगा जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। अटल बिहारी हमारे नेता ने कहा था, ये हमारा स्पष्ट भाव है, ये हमारा स्पष्ट सोचना है। हम सब काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। भाजपा ने कितनी बार अपने घोषणा पत्रों में लिखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कहा जाता था कि कहां राम मंदिर बना लेंगे, ये लोग ऐसा करते हैं और तिथि नहीं बताते हैं, आदि आदि सब उलाहना आपने भी सुनी होगी, ताने आपके ऊपर भी हुए होंगे, आपने भी सुने होंगे। पीढ़ियां बदल गई, पीढ़ियां बदल गई, समाज का संकल्प नहीं बदला और आज भगवान का भव्य मंदिर वहां निर्मित होकर खड़ा है। मैं आपसे प्रेरणा पूर्वक यही कहना चाहता हूं, प्रार्थना पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि हृदय में आपकी प्रेरणा बनी रहे, हृदय में आपकी प्रेरणा बनी रहे। आप हर हाल में यह सोचकर रखें, हर हाल में सोचकर रखे हैं कि जो जो चीजें हमने सोची हैं वो सारी चीजें पूरी होंगी। शपथ अधूरी है ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया है, अभी हम सब ने सुना है उस कविता का अंश। वो शपथ अधूरी है, वो शपथ भी पूरी करनी है,